विदिशा जिले की लटेरी तहसील के किरकेड़ी पठार गांव के बोरवेल में 7 वर्षीय बालक लोकेश पुत्र दिनेश ग्राम बंदीपुर के गिरने की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। घटना स्थल पर विदिशा जिले के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित अन्य तमाम जिम्मेदार अधिकारी, पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी मौजूद हैं और जोर शोर से बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। सब शीघ्र चाहते हैं कि बच्चा सकुशल बाहर निकल आए और अब जेसीबी मशीन नीचे जाके खुदाई भी करने लगी है। बोरवेल में लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और नाइट विजन कैमरे से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लगभग 11 बजे की घटना है और जैसे ही, चूंकि ये शहर से थोड़ा दूर है, इधर गांव में है, जैसे ही सूचना मिली तत्काल यहाँ के जो लोकल एसडीएम साहब हैं उन्होंने तुरंत व्यवस्था की। 11:30 बजे हमने ऑक्सीजन देना बच्चे को चालू कर दिया था। यहाँ पर नाइट विजन कैमरा हमको अवेलेबल हो गया था, तो नाइट विजन कैमरे से हमने बच्चे की गतिविधि देखी, आपको फोटो दिखा देंगे अभी, और उससे उसका पूरा पिक्चर भी आ रही है। 43 फीट, ये 60 फीट लगभग 11 घंटा है।